हे गाइस, मैं उदय और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बच्चों में ब्लड इन्फेक्शन के बारे में। बच्चों में ब्लड इन्फेक्शन के क्या कारण होते हैं, लक्षण होते हैं और क्या उनके उपचार होते हैं। हम इस वीडियो में डिटेल से इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो पेशेंस बना करके इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। देखो, जो बच्चों की इम्यूनिटी पावर होती है, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो वयस्क की तुलना में बहुत कम होती है। यानी कि हमारी तुलना में बच्चों में बहुत ही कम रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिससे उनमें छोटी से छोटी बीमारी भी काफ़ी आसानी से हो जाती है, जिसमें ब्लड इन्फेक्शन भी शामिल है। ब्लड इन्फेक्शन को कई नामों से जाना जाता है। इसे ज़्यादातर सेप्सिस या फिर सेप्सिसीमिया कहा जाता है। सेप्सिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर बैक्टीरिया या फिर अन्य कीटाणुओं को पनपने का मौका देता है। यानी कि जो बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी पावर यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कमज़ोर होती है, जिससे उनका शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर वायरल इन्फेक्शन, ऐसे जो इन्फेक्शन होते हैं, ये काफ़ी आसानी से हो जाते हैं। ब्लड इन्फेक्शन को सेप्सिस, सेप्सिसीमिया, ब्लड पॉइजनिंग, सेप्सिस सिंड्रोम, सिस्टमेटिक एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम और सेप्सिक शॉक भी कहा जाता है। ब्लड इन्फेक्शन का सबसे बड़ा कारण होता है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यूनिटी सिस्टम जब हमारा कमज़ोर हो जाता है, जो कि बच्चों में अक्सर देखने को मिलता है, उनका इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कमज़ोर होती है, जिससे कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या फिर कोई भी फंगल उन पर अटैक, उनके शरीर पर अटैक कर देता है और वह उन्हें इन्फेक्टेड कर देता है। ये ब्लड इन्फेक्शन सबसे पहले तो हमारे ब्लड में होता है और ब्लड के थ्रू ये जो इन्फेक्शन है, ये हमारी पूरी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं उनमें फैलता जाता है और उन ऑर्गन्स के काम करने की क्षमता को ये धीरे धीरे कम कर देता है और एक वक्त के बाद उन ऑर्गन्स को पूरी तरीके से ख़राब कर देता है। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार ब्लड इन्फेक्शन का सबसे ज़्यादा खतरा बच्चों में बना रहता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत ही कमज़ोर होती है। 50% से ज़्यादा केस ब्लड इन्फेक्शन के वो बच्चों में ही आते हैं। ब्लड इन्फेक्शन का सबसे ज़्यादा खतरा 4 साल से कम उम्र के बच्चों में पाया जाता है। अगर बच्चों में इस ब्लड इन्फेक्शन के लक्षणों की बात की जाए, तो उनमें दिल के तेज या फिर धीमा धड़कना, तेज़ी से सांस लेना, सांस लेने में परेशानी होना, तेज़ दर्द होना या फिर बेचैनी महसूस होना, कपकपी वाला बुखार या फिर हाथ पैरों का ठंडा होना, बहुत ज़्यादा पसीना आना या चिपचिपी त्वचा का होना, सूजन के साथ त्वचा का पीला पड़ना या फिर शरीर के तापमान में बदलाव होना, दस्त लगना, दौरा आना, पेट में आसपास सूजन होना, ये सारे के सारे कारण बच्चों में ब्लड इन्फेक्शन के कारण देखने को मिलते हैं। अगर ऐसे लक्षण आपके बच्चों में देखने को मिलते हैं, तो डॉक्टर से टेस्ट जरूर कराएं। अगर 4 साल से कम उम्र के बच्चों की बात की जाए, तो उनमें ब्लड इन्फेक्शन का कारण वायरल, फंगल या फिर बैक्टीरिया हो सकता है। अगर हम नवजात शिशु की बात करें, तो नवजात शिशु में ब्लड इन्फेक्शन का कारण उसकी माँ से जुड़ा होता है। अगर गर्भवती महिला ब्लड इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड है, तो उसके बच्चे में भी ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है। प्रीमैच्योर डिलीवरी यानी कि समय से पहले शिशु का जन्म लेना, जन्म से 18 घंटे पहले पानी की थैली का फूटना, गर्भनाल में संक्रमण होना, जन्म के बाद शिशु की नसों में अधिक समय तक कैथेरस लगा होना, ये सारे के सारे ब्लड इन्फेक्शन के कारण हो सकते हैं एक नवजात शिशु में। अगर बच्चों में सेप्सिस यानी कि ब्लड इन्फेक्शन के उपचार की अगर बात की जाए, तो इसके उपचार के लिए एंटीबायोटिक्स का खुराक देना, एंटीवायरल दवाइयों का उपयोग करना, बच्चे में स्थिति का जांच करना, ये सारे के सारे तरीक़ों से हम बच्चे में ब्लड इन्फेक्शन के उपचार कर सकते हैं। अगर बात करें एंटीबायोटिक खुराक देने की, तो अगर बच्चे की उम्र 4 सप्ताह से कम है और उसके अंदर बुखार या फिर अन्य संक्रमण के लक्षण देखने को मिलते हैं, तो इंट्रावेनल इंजेक्शन की मदद से एंटीबायोटिक दवाइयों की खुराक दी जाती है। इन एंटीबायोटिक दवाइयों की कितनी खुराक और कब देनी है, ये सारी की सारी चीज़ें बैक्टीरियल से प्रभावित हिस्से पर डिपेंड करती हैं। अगर बच्चे में एंटीवायरल दवाइयों का उपयोग करने की बात करें, तो उसमें एंटीवायरल दवाइयों का उपयोग तब किया जाता है जब उसमें
जो संक्रमण का कारण होता है वो वायरस के कारण हो, यानी कि ब्लड इन्फेक्शन का कारण किसी वायरस की वजह से होता है, तब हमें एंटीवायरल दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं बच्चे के अंदर। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ों का पता हमें तब चलता है जब हम टेस्ट कराते हैं, ब्लड इन्फेक्शन का जो टेस्ट होते हैं उन टेस्ट को जब हम कराते हैं तब हमें पता चलता है कि जो हमारा ब्लड इन्फेक्शन है ये किस कारण से हुआ है। अगला उपचार है बच्चे की स्थिति का जांच करना। कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें बच्चे की निगरानी के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कर लिया जाता है और उसकी जांच की जाती है कि वो कैसी एक्टिविटी शो कर रहा है। अगर उसमें ब्लड इन्फेक्शन के लक्षण प्रकट होते हैं, देखने को मिलते हैं, तो ऐसी स्थिति में बच्चे में जो लक्षण होते हैं उनके हिसाब से बच्चे को ट्रीट किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ये थे बच्चों में ब्लड इन्फेक्शन के कारण, लक्षण व उपचार। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, किसी भी दवाइयों का आप डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करें, उससे पहले आप डॉक्टर से टेस्ट जरूर करवा लें। ब्लड इन्फेक्शन का टेस्ट कराने के बाद ही पता चलता है कि कौन सी दवाइयाँ देनी है और कितनी मात्रा में देनी है, वो आपको केवल डॉक्टर ही बता सकता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।